British Indian. अभी तक अपना देश का रिकॉर्ड है 3 गोल्ड का, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के नाम से हमारा सर पे ब्रिटिश फ्लैग फड़फड़ा के हम सबको मानो ये बोल रहा था, यू आर नॉट फ्री. पर अब इंडिया आजाद होने वाला है, उसके बाद हम इंडिया को ओलंपिक में लेके जाएगा. तो हमारा टीम अंग्रेज को लंदन में हरा के अपना 200 साल पुराना गुलामी का बदला लेगा. खूब भालो सपना, लेकिन सपना देखने वाला गटर में पड़ा है. चलो एखन तक. जिस तरह खेल में बॉल को पास किया जाता है, कभी कभी जिंदगी में अपने सपनों को पास करना पड़ता है. लेकिन मैंने हॉकी छोड़ दी, और खेलूं भी किसके लिए, इन अंग्रेजों के लिए. उनका देश में उन्हीं का पब्लिक के सामने उनका किंग का आगे उनको हराएगा. देखिए, हम जब पैदा हुए थे तो डॉक्टर पहली नजर में बोल दिए थे आपके घर में सेंटर फॉरवर्ड पैदा हुआ है. हमारे घर में इनकलाब जिंदाबाद पहले होता है, फिर नाश्ता होता है. क्या सपना देखा था दादा, ये हमारा टीम फ्री इंडिया के लिए खेलेगा. अब इंडिया फ्री तो हो गया, लेकिन टीम ही नहीं बचा. ये हमारा झंडा आज तक अपने सीने में दबाए रखा जाता है क्यों? एक दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद होएगा और फिर हम गोल जीतेगा और हमारा झंडा लहराएगा, और उसके नीचे हम लॉन्ग लिव द किंग नहीं गाएगा, अपना राष्ट्रगान गाएगा. La la la.